हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी ऑफ कर्ड राइस। ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और क्विक रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कर्ड राइस बनाने के लिए हमें लेने हैं कुक्ड राइस, कर्ड, कुछ वेजीज जिसमें मैंने ले लिए हैं चॉप्ड अनियंस, कटी हुई गाजर, बीन्स और 1 टेबलस्पून उड़द की दाल और 1 टेबलस्पून चना दाल। साथ में मैंने ले लिया है नमक और चीनी, नींबू का रस और कटा हुआ धनिया। फॉर द गार्निशिंग पर्पसेस मैंने ले लिए हैं घी रोस्टेड कैश्यू नट्स, अनार के दाने और कुछ कटी हुई सब्जियां। सबसे पहले हमें कर्ड राइस बनाने के लिए हम एक गरम पैन में 2 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी ऐड कर देंगे और फिर हम ऐड करेंगे चना दाल। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम लो हो। इसके बाद हम ऐड कर देंगे उड़द की दाल और इनको हम लाइटली सा सौते कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम ऐड कर देंगे करी पत्ता। करी पत्ता ऐड करने के बाद हम ऐड कर देंगे अपनी वेजीज। और इनको लाइटली सौते कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ओवरकुक नहीं करना है। ऐड कर देंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मुझे स्टार्टिंग में मस्टर्ड सीड्स ऐड करना भूल गया था, तो मैं ये अब अलग से ऐड कर रही हूँ। आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर दीजिएगा। लो जी, हमारा तड़का हो गया है रेडी। अब हम एक बाउल में अपने कुक्ड राइस को ऐड कर लेंगे। फॉर मेकिंग कर्ड राइस हमें अपने राइस को थोड़ा सा ज्यादा कुक करना है ताकि वो बिल्कुल मशी से हो सके। इसके बाद हम ऐड कर देंगे अपना दही यानी कि कर्ड और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऑब्वियसली। इसके बाद हम ऐड कर देंगे जो वेजेस हमने तैयार करी हुई हैं। सबको एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं गार्निश कर दूंगी इसको धनिया के साथ। नाउ एडिंग अनार के दाने, घी रोस्टेड कैश्यूज, लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नींबू का रस। लो जी, ये हो गए हमारे कर्ड राइस तैयार। मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो जाइए जल्दी से रेसिपी को ट्राई कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।